क्या हुआ मैक्स, उसके साथ ऐसे कर रहे हो आप? मत चिल्लाओ भाई, अभी आपको दिल नहीं वो होता इसको ऐसे छोड़ के जा रहे हो? घूमने जाता है ना, ऐसा तो है नहीं घूमने नहीं जाता, 24 घंटे थोड़ी घूमता जा रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। शाम के बज रहे हैं, 4 है ना, 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, और अभी हम लोग मैक्स को लेके आए हैं घुमाने के लिए। कुछ काम से निकले थे तो सोचा कि चलो मैक्स को घुमा लेते, क्योंकि अभी एक काम ही है जो डेली करना पड़ता है 2 टाइम। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर कोई काम है, मार्केट जाना है, तो उस हिसाब से प्लान कर लेता हूँ, मैक्स को लेके निकलता हूँ। सुबह से कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज वी वर बिजी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और रीवा भी थोड़ी सी अनवेल है तो उसमें भी हम लोग लगे हुए थे। तो ऐसा होता है, चलते रहता है, ठीक है। तो कभी कभी झेलना पड़ता है ये सब चीज़ें, बट दैट इज़ फाइन। अभी हम लोग मैक्स को लेके घुमाने आए हैं। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, पहले हम लोग यहाँ पे नैमी को गाड़ी चलाना सिखाते थे और ये यहीं पे प्रैक्टिस करती थी, जो कि बहुत जल्दी फिर से शुरू होने वाला है व्हेन थिंग्स सेटल डाउन। तो यहाँ पे मैक्स को लेके आए हैं, गाड़ी यहाँ पे लगा दिया है, और ये भाई साहब बिल्कुल एक्साइटेड है, इसको पता चल गया। मैक्स, मैक्स कहाँ आ गया भाई, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, देखो इसको बिल्कुल पता लग गया है कि इसका पुराना एरिया। अभी तो जब मैंने कैमरा उठाया तो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, नहीं तो बिल्कुल पागलों की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा था। हम लोगों ने इसको अच्छा खासा खेला लिया और खेल के गया था, इसको लग रही है गर्मी, और नीचे ये जो मिट्टी है, मिट्टी में ठंडी लग रही है इसको, क्योंकि गीली मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे बैठ गया है। और ये इनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है नेचर में, जब इनको गर्मी वर्मी लगती है तो ऐसे ही मिट्टी खोद के बैठ जाते हैं। मिट्टी वट्टी इसने खोदी है उधर, लेकिन यहाँ पर इसको ज़्यादा ठंडी लग रही थी इसलिए यहाँ पर बैठ गया, वरना वहाँ पर भी मिट्टी वट्टी खोद के कोशिश कर रहा था बैठने का, लेकिन नहीं बैठा। तो दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ डॉग, और इन्हें ये मौका भी देना चाहिए कि ये ओकेजनली मिट्टी में बैठ सके। इसको बोलो नहलाएगा कौन इसको, वो तो बात ठीक है, नहलाऊंगा मैं, और कौन नहलाएगा, है ना मैक्स? मजा आ गया, इसकी तो लॉटरी लग गई। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रॉटवीलर जैसे एक जो ब्रीड होती है एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली जो लार्ज ब्रीड के डॉग्स होते हैं, आप उनको कैसे मतलब अच्छे से रख सकते हो जिसमें इनके एग्रेशंस कम हो और एक बहुत ही वेल बिहेव डॉग हो आपका, आप उसको कैसे रख सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। तो उसका सबसे पहला पॉइंटर है कि आप इसको कभी भी घर में बांध के मत रखिए। बांध के रखने से क्या होता है, इन्हें बिल्कुल आइसोलेटेड फील होने लगता है और इन्हें लगता है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके वजह से ये आइसोलेशन की वजह से काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उस केस में थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए इनको आप आइसोलेशन में मत रखिए, अकेले मत रखिए, वरना इन डॉग्स को क्या होता है कि थोड़ी सी सेपरेशन एंग्जाइटीज़ भी हो जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये इनके अंदर थोड़ी सी एग्रेशन आ जाती है। ये पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आप इनको बहुत ही प्यार से रखो। कुछ लोग होते हैं जो डॉग्स को मार पीट के रखते हैं, बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा मारेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो एक गलत तरीका है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है डॉग के ऊपर। इसलिए अगर आपको डॉग रखना है, आप उसको अच्छे से ट्रेन करो। आपको नहीं आता है, आप एक ट्रेनर हायर कर लो, आप उनसे ट्रेन करा लो, अदरवाइज आप खुद से भी यूट्यूब से देख के ट्रेन कर सकते हो इजीली। और ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके थ्रू आप इनसे बात मनवाइए, कमांड से बात मनवाइए, मार के बात मनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी तो ऐसा नहीं है कि आप उसको झाड़ू से, चप्पल से, बेल्ट से कैसे भी मार सकते हैं, वो एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हाँ, इनको डर होना चाहिए आपका, आपको ऑब्वियसली, आप अल्फा रहोगे तो आप एक आधा थप्पड़ कभी कभी लगा दो ताकि इनको पता है कि वो थप्पड़ आने वाला है अगर मैं गलती करता हूँ। बट आप इसको बचपन से ही अगर मारते पीटते रहोगे बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाद में एग्रेसिव हो जाएगा, और जब आप इसको मारने जाओगे फिर डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और फिर वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर इन्होंने अटैक किया तो आपको पता है कि इनका जो जबड़ा होता है कितना ज़बरदस्त लॉक करता है। तो तीसरा जो ट्रिक है जिससे आप अपने डॉग के एग्रेशन को कम कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा मेजर ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान से सुनो। आपका जो डॉग है, अगर ये कन्फाइंड जगह में रहता है, लाइक अगर किसी फ्लैट के अंदर रहता है, या फिर आप इसको कहीं पे बांध के रखते हो पूरे दिन, तो क्या होता है, ये पूरे दिन एक जगह पे बैठ के बोर होता रहता है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है। तो आपको इसका स्ट्रेस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेस निकालने के लिए आपको इनको फिजिकली एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको डेली इनकी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, अदरवाइज इनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा और वो फिर तब्दील हो जाएगा एग्रेशन में।
तो जो लोग फ्लैट्स के अंदर रखते हैं, जैसे मैं एक फ्लैट के अंदर रखता हूँ इसको, तो फ्लैट के अंदर इनके पास करने का कोई काम नहीं होता, पूरे दिन ये खाली बैठे रहते हैं, इनका दिमाग स्टिमुलेट नहीं होता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप इसको घर के अंदर भी दिमाग स्टिमुलेट करने के लिए चीज़ें दीजिए, लाइक टॉयज दे दो या फिर आपको लकड़ी वकड़ी दे दो जिसको ये चबाते रहें, खेलते रहें उसके साथ, तो ये इनका दिमाग जो है वो स्टिमुलेटेड रहेगा। और दूसरा ये है कि आपको इनको एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं तो आप बाहर जाओ, फील्ड ढूंढो या कोई पार्किंग लॉट, कोई भी ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप इनकी रनिंग करा सकते हो। आधे घंटे की रनिंग इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये पूरी तरीके से थक जाएँ, थकेंगे इनका स्ट्रेस निकलेगा। बहुत अच्छा डॉग रहेगा आपका, घर में आराम से बैठा रहेगा, एक जगह पे पड़ा रहेगा, किसी को बॉदर नहीं करेगा, और इनकी एनर्जी जब बाहर निकल जाएगी तो घर के अंदर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और इससे एक और फ़ायदा है, अगर ये बाहर खेलता है तो घर के अंदर नहीं खेलेगा। घर के अंदर आजकल मार्बल टाइल्स ये सब लगे होते हैं, स्लिपरी होता है काफ़ी ज़्यादा, इनके पैर फिसलते हैं और इनको हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है, इसलिए इनको खिलाएं बाहर जाके, घर के अंदर ना खिलाएं। ये चौथा जो सबसे बड़ा ट्रिक है वो ये है कि आपको इनको जा करके सोशलाइज कराना चाहिए बचपन से ही। आप पपी लेके आओगे अपने घर में तो आप उसके, ऐसा नहीं कि आप उसको उसके घर में रख रहे हैं, बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर अगर बाहर ले भी जा रहे हैं तो किसी से मिला नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या होगा कि ये किसी से मिलेगा नहीं तो इसको पता नहीं रहेगा रिएक्ट कैसे करना है। इसलिए अगर आप एक पपी लेके आ रहे हो घर पे तो आप इनको बचपन से ही सोशलाइज कराओ, इंसानों से कराओ, अदर डॉग्स से कराओ, अदर एनिमल्स से कराओ, ट्रैफिक वाली जगह पे घुमाओ, ताकि इनको पता रहे कि इन सब जगहों पे कैसे रिएक्ट करना है, और बचपन से ही ये इन चीज़ों के साथ अकस्टम्ड रहें, इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल रहें, है ना। तो इनको आप बाहर जाओ तो स्ट्रे डॉग से मिलवाओ, सो दैट ये उनसे मिलके उनके साथ फ्रेंडली रहे, किसी के अगेंस्ट में ये अग्रेसिव ना हो जाए। बच्चों से मिलवाओ ताकि अगर ये किसी बच्चे से मिलता है तो अच्छे से मिले, किसी बच्चे पे अग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि अगर जिस चीज़ से ये मिला नहीं तो इसको पता नहीं रहेगा मुझे रिएक्ट कैसे करना है, और फिर उनके ऊपर अटैक कर सकता है ये, क्योंकि इसको पता नहीं है। अगर आप इसको बचपन से ही सोशलाइज कराओगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये बहुत वेल बिहेव रहेंगे इन चीज़ों के साथ। तो ये थे मेजर चार ट्रिक्स जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इतने बड़े ब्रीड और इतने स्ट्रांग ब्रीड के साथ अगर आप रह रहे हो घर में तो आपको वो अग्रेशन कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है, वरना सबकी लाइफ मुसीबत में आएगी। और गलती से अगर बच्चा आपका बाहर निकल गया तो अगल बगल वालों की भी लाइफ मुसीबत में डालेगा। हमारा बच्चा इतना वेल बिहेव्ड है, बाहर निकल जाए या कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, लीज फ्री रहता है, फील्ड में घूमता है, बच्चों से मिलता है, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये किसी को भी छोड़ेगा नहीं अटैक कमांड के साथ। अभी के लिए घर में ये बहुत अच्छे से रहता है। देखो जरा क्या कर रहे हैं इसको, देखो कैसे देख रहे हैं उन लोगों को, है ना, गंदी बात कर रहे हैं। नहीं 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 छोड़ दो, अपना वो खेल रही है, छोड़ दो, आज चले गए इसको लेके नहीं छोड़ के, और ये इनको भौंक रहा है। मैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो अपना खेल रहा है, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, वो अपना खेल रहे, आपको कुछ नहीं कह रहे, मेरे मुंह पे सारी थूक गिरा दे। तो अभी मैं बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा था और सेम डे ब्लॉग एडिट हो चुका है, जो कि एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि वीडियो शूट करना इज़ वेरी इजी, लेकिन उसको एडिट करके डालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जिसका काम सेम डे हो जाता है, मतलब टाइम से पहले अगर एडिट हो गया और डिले नहीं हुआ, इससे बड़ी खुशी कुछ और होती नहीं है, ठीक है। मैंने कोशिश किया था इस वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाने का, सो दैट जो भी डॉग लवर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।